देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। अ कॉइल ऑफ पावर फैक्टर, हमारे पास क्या है? कॉइल है। कॉइल मतलब क्या होगा? आर और एल का कॉम्बिनेशन, राइट। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर, तो इसी के साथ कैपेसिटर भी कनेक्टेड है। और इस कैपेसिटर की इन्होंने वैल्यू दे दी 100 माइक्रो फेरेड, और इसकी फ्रिक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्स। हमें वोल्टेज नहीं गिवन है, और हमें एक इक्वेशन दे दी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉयल। ये आर और एल क्या है? तुम्हारे पास कॉयल है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉयल, उसको वी आर एल से डिनोट कर लें, क्योंकि कॉयल मतलब आर और एल इज इक्वल टू वी सी एंड कैपेसिटर आर इक्वल। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है, और हमें यहाँ पे एल की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई, वी आर एल इज इक्वल टू वी सी। तो ये कितना हो गया? आई इंटू जेड आर एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी। आई से आई कैंसिल हो गया, तो जेड आर एल एज इट इज़ रख लेते हैं। तो एक्स सी कितना हो गया हमारे पास? 1/2 पाई एफ सी। तो ये कितना हो गया? 1/2 × 3.14 × फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्स। और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है? 100 माइक्रोफेरेड, दैट इज 100 × 10⁻²⁻ −6 फैरेड। यहाँ से हमारे पास जेड आर एल की वैल्यू आएगी। और हमें एक और चीज़ दी हुई है, क्या? कॉइल ऑफ पावर फैक्टर 0.6। तो हमारे पास पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाय जेड आर एल, राइट। तो जेड आर एल कॉस वाई की वैल्यू 0.6 है, ये वाली जेड आर एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगी, जेड आर एल की वैल्यू क्या आ रही है? ये तो आ गया 1/2 × 50, 100 हो गया। 100 × 100, ये 10⁻⁶ को ऊपर भेज देते हैं, इंटू 314 इंटू इसको 100 को ऊपर भेज देते, तो 100 से 100 कट गया, तो 10⁶, ये 2 है तो 4 हो गया, 10⁴ / 314। इसको सॉल्व करो तो ये तुम्हारे पास जेड आर एल की वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आ रही है? फिर बस यहाँ पे हम जेड आर एल की वैल्यू पुट कर देंगे, 0.33। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास अगेन एक फॉर्मूला है, जेड आर एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर। जेड आर एल पता है, आर पता है, एक्स एल आ जाएगा, एक्स एल से हमारे पास एल आ जाएगा।